सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर गाइस। तो यहाँ पर आपके लिए मैं टॉप 10 बेस्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन लाया हूँ, वो भी 2019 के लिए। तो गाइस जनवरी मंथ आ चुका है और ये वीडियो काफ़ी कमाल होने वाली है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है लाइव वॉल। तो गाइस ये काफ़ी कमाल की काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन है। इसमें आपको मिल जाते हैं काफ़ी यूनिक वॉलपेपर जो कि लाइव होते हैं। कुछ इस लेवल के आपको वॉलपेपर मिलते हैं इस एप्लीकेशन में। तो गाइस इसमें आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाती है एंड अगर इसके वॉलपेपर की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी कमाल की क्वालिटी है एंड यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस अगर आप इसे अपने डिवाइस पर लगाते हैं तो इसका लुक ही चेंज हो जाता है पूरी तरह। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। 4 से 5 MB का होता है क्योंकि ये लाइव वॉलपेपर है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन वर्क करती है कॉइन्स पर। तो यहाँ पर आप अपने कॉइन्स को बढ़ाने के लिए आप एक ऐड देख सकते हैं। जैसे आप ऐड देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर कॉइन्स मिल जाते हैं एंड अपने वॉलपेपर्स को आप अनलॉक कर सकते हैं, उसे अपने डेस्कटॉप पर लगाकर कुछ इस तरह का अमेजिंग लुक दे सकते हैं। तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैकेनिकल कीबोर्ड। अगर आपने अपने पीसी के थ्रू मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ किया है तो कुछ इस तरह का साउंड आता है। तो गाइस अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफ़ी कमाल का एंड्रॉयड कीबोर्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे आप इस पर टैप करते हैं तो एक मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह साउंड करता है। काफ़ी यूनिक साउंड करता है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा और ज़रूर से ट्राई कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ग्राफिटी। तो गाइस इस एप्लीकेशन में आपको काफ़ी सारे कूल स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं बट यहाँ पर आपको AR स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मूवीज़ के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर AR पर क्लिक करना है और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी फोटोस एंड वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं और ये एक AR स्टिकर है। तो यहाँ पर आपको साउंड भी देखने को मिल जाता है, आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको अमेजिंग स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको लिस्ट काफ़ी लंबी मिल जाती है। अगर आप अपने WhatsApp पर शेयर करना चाहते हैं नॉर्मली स्टिकर, वो भी आप यहां से डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप यहां पर AR स्टिकर्स को शेयर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं अपनी वीडियो को शूट करके। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन में काफ़ी सारे स्टिकर्स तो मिल ही जाते हैं बट यहां पर आपको AR स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के काफ़ी कमाल के कार्टून स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मूवीज़ के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आपको लिस्ट काफ़ी लंबी मिल जाती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल सर्च वाला स्टिकर है, काफ़ी कमाल का है, एक AR स्टिकर है। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हैं, फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। आपको नीचे एक आइकन मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप WhatsApp पर शेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर WhatsApp वाले स्टिकर्स भी मिल जाते हैं बट अगर आप AR चाहते हैं तो AR का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको Bumblebee का भी यहाँ पर देखने को स्टिकर मिल जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर मूवीज़ के कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, कार्टून्स के कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, फेमस चीज़ों के यहाँ पर आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको AR स्टिकर्स अलग से देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे को इस एप्लीकेशन की ये खासियत काफ़ी कमाल की लगी। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इन्हें शेयर करने का, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्रॉस हेयर हीरो। तो अगर आप पबजी या फिर फॉर्टनाइट काफ़ी ज़्यादातर खेलते हैं तो अगर आप एक न्यू प्लेयर हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। मेरी भी फेवरेट एप्लीकेशन ये आपको हेल्प करती है एम करने में। तो गाइस अगर आपने पबजी खेला होगा तो उसमें आपको एक आइकन दिखाई देता है जिसमें आपको शूट करना होता है, यानी कि जो एम का आइकन होता है। बट अगर आप उसे बिगर करना चाहते हैं ताकि आपको यहाँ पर स्पॉट करने में, एनिमी को स्पॉट करने में काफ़ी हेल्प मिले, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं और जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये डिस्प्ले पर इनेबल हो जाता है और यहाँ पर आप कहीं भी मूव करेंगे तो जो भी आपका आइकन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें भी आपका एनिमी आएगा तो आप उसे आसानी से शूट कर सकते हैं। इससे यहाँ पर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शेप चेंज करनी है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आप एक काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं बट फिर भी आपको यहाँ पर एम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको आइकन काफ़ी बिगर दिखाई देगा, तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बॉटम क्विक सेटिंग्स।
तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस मिल जाता है। अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को वन हैंडेड यूज़ करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप जस्ट आपको नीचे से स्वाइप करना है आपके यहाँ पर वाईफाई इंटरनेट सेटिंग एंड अगर आप यहाँ पर अपना ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे की ओर यहाँ पर आपको एक आइकन मिल जाता है, जस्ट आपको हल्का सा स्वाइप करना है और जैसे आप यहां पर स्वाइप करते हैं तो यहां पर आपको अपनी सेटिंग्स का एक्सेस मिल जाता है। तो यहां पर अगर आपकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप अपना वाईफाई ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन की रोटेशन या फिर टॉर्च वगैरह ऑन ऑफ़ करना चाहते हैं तो क्विकली आप कर सकते हैं। काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है, जरूर से ट्राई कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट एक कैमरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है एस प्रो कैमरा। तो गाइस अगर आप एक प्रो फोटोग्राफर और वीडियो करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर ब्यूटी वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड अगर आप गिफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं इसी एप्लीकेशन से वो भी आप कर सकते हैं एंड इसमें आपको मिल जाता है प्रो मोड, तो यहाँ पर आप बुके इफेक्ट भी ले सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सेटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं एंड अगर आप यहाँ पर इसकी डेप्थ वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको iOS कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको एक कंप्लीट कैमरा एप्लीकेशन मिल जाती है जिसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको वीडियो में ब्यूटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप अपनी वीडियो में ब्यूटी मोड लाना चाहते हैं वो भी आप ला सकते हैं एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जरूर से ट्राई कीजिए, लिंक आपको इस एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट एक लॉन्चर है जिसका नाम है हाइपीरियन। तो गाइस अगर आप एक स्टॉक लुक चाहते हैं, क्लीन एंड मिनिमल लुक चाहते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस का, एक क्लीन लुक के साथ आप यहां पर अगर देखें तो इसके काफ़ी कमाल के आइकन्स हैं तो आप इस लॉन्चर का यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। इस लॉन्चर में आपको कोई भी यहां पर फालतू का कचरा नहीं दिखाई देता, आइकन भी काफ़ी कमाल के हैं, यहां पर आपको विजेट्स भी देखने को मिल जाते हैं एंड वॉलपेपर भी देखने को मिल जाते हैं। जस्ट अगर आप इसे स्वाइप करते हैं ऊपर की साइड तो यहां पर आपको ट्रांसपेरेंट आइकन्स दिखाई देते हैं, मेरे को काफ़ी क्लीन और मिनिमल लगा। तो आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नेक्स्ट एक एडिक्टिव गेम है जिसका नाम है चिली स्नो। तो गाइस अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक स्की का ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर आपको इस बॉल को स्की करवानी होती है और यहां से आपको सेफ रहना है इन ट्री से एंड यहां पर आपको स्टोन्स भी देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी एडिक्टिव गेम है, इजी लग रही है बट इतनी इजी नहीं है। अगर आप यहां पर देखें तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको गेम देखने को मिल जाती है। ईजी देखने को लग रही है बट इतनी ईजी नहीं है, आपको यहाँ पर राइट और लेफ्ट पर क्लिक करना है और इसे सेव करना है इन ट्री से। अगर आप ट्रीज के पास से लेके जाएंगे बिल्कुल तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और जैसे ही आप अपनी लेवल को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये नेक्स्ट लेवल और भी हार्ड कर देता है। तो जरूर से ट्राई कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है साउंड वेव। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं किस जगह पर साउंड है या फिर नहीं। अगर आप एक शांत सी जगह फाइंड कर दें तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी रूम में इसे ले जाएं। आपको यहाँ पर अगर नॉइस वगैरह दिखाई देगी तो यहाँ पर ये ब्लिंक करेगी, कुछ इस तरह की वेव आपको दिखाई देगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर कुछ बोलते हैं या फिर कोई ज़्यादा आवाज़ वाली एरिया है तो आप ये ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर लेगी आपके माइक के थ्रू। तो यानी कि आप एक शांत सा एरिया फाइंड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है व्हाट्सएप सुपर हीरो स्टिकर। तो इसमें आपको मिल जाते हैं सुपर हीरोज़ के काफ़ी कूल स्टिकर्स जिन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं और गाइस इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। जस्ट आपको इसे डाउनलोड करना है एंड अपने लाइब्रेरी में ऐड कर देना है और जैसे आप ऐड करते हैं तो आपको यहां पर शेयर का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहां पर आपको मार्वल के सुपर हीरोज़ मिल जाते हैं। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको ये एप्लीकेशंस कैसी लगी और सभी एप्लीकेशंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां से फॉलो करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं एंड कमेंट्स जरूर कीजिए और मैं बोलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।